नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में आज कांग्रेस की अलावोल रैली, रामलीला मैदान में राहुल गांधी का संबोधन, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश। कांग्रेस नेता सप्ताह में 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और महंगाई पर हल्ला बोल रैली के लिए दिल्ली चलो आह्वान करते हुए प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर में संबोधित, उन्होंने जनसभा की, आज अपनी नई पार्टी का भी कर सकते हैं ऐलान। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जनसभा का सुबह 11 बजे शुरू होगा। प्रस्तावित है सैनिक फार्म में जनसभा के लिए विशाल पंडाल स्थापित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में की शिरकत। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम, प्रदेश के 15,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षक होंगे प्रशिक्षण। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में सीएम शिवराज समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में दो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए। संगठन ने नगरीय निकाय चुनाव पंचायत में मिली जीत का आभार व्यक्त किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ की। भाजपा में बैठक का दौर लगातार जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 सितंबर को आएंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोर ग्रुप की बैठक ले सकते हैं नड्डा। पार्टी का जनसभा बढ़ने में चुनाव जुटी भाजपा। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी डी पूर्वेंद्रेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी जल्द पहुंचेंगे रायपुर। हाईकोर्ट होने हाईटेक होने छुआ रहा अंबिकापुर का प्रधान डाकघर। ग्राहकों की सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस में डिजिटल कैशलेस पहल की शुरुआत। डाकघर के सभी काउंटर पर QR कोड लगाए गए हैं। इसमें कोई ग्राहक अपने मोबाइल से बारकोड को स्कैन करके सभी तरह के भुगतान कर सकता है। जलपुर में रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया मगरमच्छ। मगरमच्छ देख लोगों में मची अफरा तफरी। मगरमच्छ दिखने की सूचना घंटों बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने हिम्मत उठाई जुटाई और आगे बढ़कर के खुद ही मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। हरदम विधायक कृषि मंत्री की समीक्षा बैठक, वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में हुए शामिल। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अब की समस्या का हल आपके घर चलाया है अभियान, जिसके सकारात्मक सामने आएंगे परिणाम। विकास कार्यों को भी मिलेगी तेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवगठित जिलों में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 931 करोड़ 37 लाख रुपए की सौगात भी देंगे। सीएम भूपेश बघेल पत्रकारों की चर्चा, कहा सबसे पहले आज 22 जिलों की सौगात देने दौरे पर निकल रहा हूं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया के बाद ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक और मंत्री ने नाराजगी की जाहिर। पीएचई मंत्री ब्रजेश सिंह यादव ने अशोकनगर के डिप्टी ऑडिट अधिकारी के पर आरोप लगाए। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने अभिषेक जैन पर सहकारिता उपायुक्त रहते अवैध नियुक्ति का आरोप लगाया।
अंबिकापुर में दो महिला की उलझी रस्त से मौत, मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। महिलाओं की मौत के बाद डायरिया से संक्रमित मरीजों की जा रही पहचान, सचेत रहने और बचाव की दी जा रही जानकारी। कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू की दस्तक, एक दिन में 5 नए मरीज आए सामने, मरीजों के सैंपल की जांच में 5 मरीजों को डेंगू होने की हुई पुष्टि। 5 मरीजों में 19 साल के युवा और 4 बच्चों में 5 साल का बच्चा भी शामिल, अब तक 74 केस डेंगू के आ चुके हैं। महासमुंद में चोरी की बाइक बेचने की तलाश रहा था ग्राहक, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। शहडोल में नौसेना कर्मी वकील पर दुष्कर्म का मामला, आदिवासी छात्र ने शिकायत कराई है दर्ज। आरोपी ने पढ़ाई में मदद करने के बहाने किया दुष्कर्म, साथ ही उससे कुछ फोटोग्राफ भी ले लिए, फोटोग्राफ से करता था ब्लैकमेल। ग्वालियर में मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, इस मौके पर शाह अहमदाबाद में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर दूंगा धरना। कुरैशी नेचा टुकड़ों को पद नहीं देने की अपील की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक मामले में आरोपी की आजीवन कारावास की सजा को कम करने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी है तो उसे आजीवन कारावास से कम की कोई सजा नहीं मिलती। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि 302 के तहत हत्या की सजा मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण गृहों में रखी गई व्यावसायिक महिलाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से अदालत द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश के अनुरूप सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने यह निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने जलाशयों को बचाने के लिए चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग जलाशयों को बचाने के बदले उस पर अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें सुनामी और भूकंप का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री न्यायाधीश एनएन भंडारी और जस्टिस एन माला की पहली पीठ ने यह टिप्पणी की और जलाशयों पर अतिक्रमण के आरोपी की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने जलाशयों की जमीन पर अतिक्रमण से इनकार किया और इस पर पीठ ने कहा कि अदालत की तरफ से मौका दिए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता संबंधित जीवन पर अपने अधिकार को साबित करने में विफल रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्षयान की सुरक्षित लैंडिंग की तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। हेलमेट को लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नया नियम आया सामने। अगर आप दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो आपने हेलमेट की पट्टी लॉक नहीं की है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट में इस नियम के तहत हेलमेट की पट्टी लॉक करना अनिवार्य है। कांग्रेस ने इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत पाकिस्तान मैच से पहले लोगों ने गणेश भगवान की पूजा की। लोगों ने बताया कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वह युद्ध जैसा होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चक्रतीर्थ शमशान में 10 भुजाधारी गणेश मंदिर है और इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह दुनिया के पहले ऐसे गणपति हैं जो बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, जिसमें से गया के 5 लोग, जहानाबाद के 2 और औरंगाबाद के 1 व्यक्ति शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या प्रवासियों को बांग्लादेश के लिए एक बड़ा बोझ बताया। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक रोहिंग्या प्रवासी बांग्लादेश पर बड़ा बोझ है।
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही हसीना ने कहा यह भी कहा कि काबुल किया गया कि बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या की मौजूदगी ने उनके शासन के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 11 लाख रोहिंग्या हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अपने पड़ोसी देशों से भी परामर्श कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन मैत्री पहल के लिए धन्यवाद किया। शेख हसीना ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमारे बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे थे। भारत ने जब अपने छात्रों को वहां से निकाला तब हमारे छात्रों को भी वहां से निकाला। इसके लिए उन्होंने मोदी का आभार व्यक्त किया। भोपाल में दो दिन हो सकती है झमाझम बारिश। 6 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आ रही नमी के कारण प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश के पास जिलों में अभी भी सामान्य से कम हुआ है वर्षा। देशभर में ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मॉनसून एक्टिव है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड और बिहार के कई जिलों में बारिश के ऑरेंज अलर्ट की जारी। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में कोरोना के 6,809 मामले सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 160 नए मामले आए सामने। वहीं इस दौरान 272 मरीजों ने कोरोना को दी मात। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के मिले 140 मामले और प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2.21। रायपुर राजधानी में मिले हैं 14 नए प्रकरण। राजनंदा गांव में 16, सरगुजा में मिले हैं 12 और धमतरी में मिले हैं 10 नए प्रकरण। भारत पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला। दोनों टीमों के बीच दुबई के सुपर फोर का महामुकाबला। सोलह सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता के लिए खास ऑफर आया है सामने, जिसमें राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन देश भर की सभी स्क्रीन के लिए केवल 75 रुपए की चार्ज किया जाएगा।